हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपके साथ ये टिकटॉक वायरल कॉन्टोर हैक शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड पॉपुलर है। सो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप कर लूँगी। यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। स्किन को प्रेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि क्या फाउंडेशन इससे अच्छा ब्लेंड होता है एंड केकी नहीं लगता है बिल्कुल भी। सो प्राइमर वगैरह मैंने अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट मैं कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो इन्होंने किया है वो कॉन्टोर किया है, देन उसके बाद फाउंडेशन की लेयर है, फिर कंसीलर की है। तो मैं ऐसे ही जैसे इन्होंने अप्लाई किया था, वीडियो अगर आपने देखी हो तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। सबसे पहले कॉन्टोर करूँगी, देन फाउंडेशन की लेयर एंड देन कंसीलर की लेयर। सो अपने नोज़ को कर लिया कॉन्टोर और यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, फाउंडेशन की लाइन। सो फटाफट से ये कर लेंगे, देन उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ड्रॉ होने में, जैसे मुझे काफ़ी टाइम लगा था। सो उसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर ट्राइंगल शेप में बनाया है इन्होंने कंसीलर, तो ऐसे ही जैसे इन्होंने किया है वैसे ही मैं ट्राइंगल शेप में कंसीलर को ड्रॉ कर रही हूँ अपने फेस पे। सो कंसीलर जहाँ जहाँ अप्लाई होता है क्यूपिड्स बो चिन एंड मैंने जहाँ कॉन्टोरिंग यहाँ पर स्पेस था वहाँ पर भी कंसीलर को अप्लाई कर लिया था। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको सबसे पहले कॉन्टोरिंग को करूँगी ब्लेंड, उसके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ब्लेंड करने में कॉन्टोर को। तो सबसे पहले ये मैं कॉन्टोर कर लूँगी अपना ब्लेंड एंड काफ़ी ज़्यादा ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई है मुझे इसको ब्लेंड करने में। एंड आपको टाइम लेना अगर ये आप कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे से एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको मिक्स कर देना है कॉन्टोर और फाउंडेशन को। सबसे पहले अपनी फेस को अच्छे से प्रेप कर लें, देन उसके बाद कॉन्टोर जब आप अप्लाई करें सबसे पहले कॉन्टोर को ब्लेंड करें देन फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैंने वही करा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको ब्लेंड करने में और ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर आप कोई भी मेकअप लुक करते हैं तो ब्लेंड 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 अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो बेस उतने ही अच्छे से अच्छा लगता है एंड फ्लॉलेस लगता है। यहाँ पर मैं अपने फेस को कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं अपने कंसीलर जहाँ पर अप्लाई करते हैं अपने अंडर आई पे मैं सेट कर लेती हूँ ताकि क्रीसेस ना हो। और यहाँ पर मैंने आईब्रोज फिल कर रही हैं, देन मैं एक पिंक शेड से एक स्मज लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे। एंड यहाँ पर कर्ल करने के बाद आईलैशेस को मैंने मस्कारा अप्लाई करा है और यहाँ पर मैं अपने लिप्स को कॉन्टोर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं मार्स की लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये काफ़ी क्रीमी मैट लिपस्टिक है। और फेस को मैं सेट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के मेकअप सेटिंग स्प्रे से और यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो जहाँ जहाँ हाइलाइटर अप्लाई होता है वहाँ वहाँ यूजुअली मैं हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ और फिर से मैं इसको एक बार और सेट कर रही हूँ अपने बेस को। एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको डैप टैप कर लूँगी ताकि कोई भी पाउडरनेस मेरे फेस पे ना रहे। सो हेयर इज़ माई कम्प्लीट मेकअप लुक यू गाइज एंड आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा मेरी वीडियो को एंड पसंद आई होगी। सो गाइज़ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कॉन्टोरिंग करने के बाद माउथ के अराउंड थोड़ी सी ब्लैकनेस भी आ गई है। कॉन्टोर जहाँ पर ये अप्लाई होता है जब लिप्स के अराउंड आता है कॉन्टोरिंग एंड फॉरनर्स के माउथ के अराउंड कोई पिगमेंटेशन नहीं होती है बट इंडियंस के पिगमेंटेशन होती है थोड़ी बहुत, तो इससे और भी ज़्यादा डार्क लग रही है पिगमेंटेशन मेरी। तो मुझे ये कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया है। अगर आपके पिगमेंटेड हैं तो आप अच्छे से इसको करेक्ट कर लें देन उसके बाद आप अप्लाई करें। तो अगर आपका चबी फेस है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, उसका फेस काफ़ी मतलब चबी नहीं लगेगा और काफ़ी स्लिम लगेगा आपका फेस अगर आपका फेस चबी है। तो इस हैक को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका फेस चबी है एंड राउंड है। गाइज दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर ये वीडियो पसंद आती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। इन माय नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर, बाय बाय।